मुखी चाहर्य, ये बड़ी मार्मिक चीज है। भार्य किसको कहते हैं? भार्य पत्नी को कहते हैं। जिनको क्रोधी स्वभाव की पत्नी मिली है, पत्नी मिली तो है लेकिन क्रोधी है, गुस्सा बहुत आता है, चाय को कम गर्म करती है खुद ही ज्यादा गर्म रहती है। पति देखता है कि चाय तो ठंडी है पर पत्नी खौल रही है, डर के मारे कुछ बोलता नहीं। अभी मेरी कथा में एक जादूगर आया था जग्गाखेड़ी में, उसने एक बच्चे को बुलाया, अचानक इधर आओ। बच्चा खड़ा हुआ, उस बच्चे से पूछा, तुम अपने घर में किसको डरते हो? तो उस बच्चे ने कहा, मैं अपने पापा को डरता हूं। बोले, तेरा पापा किसको डरता है? बोले, मेरी मम्मी को डरता है। भरी सभा में बोला, तुम तो आश्चर्य में पड़ गए, कैसे बोल रहा है? धर्म पत्नी बन करके रहो, अपने पति के महत्व को समझो। तुम्हारे पति की प्रसन्नता तुम्हारे घर की सफलता है। पति का संकोच तुम्हारे घर की असफलता की निशानी है। पति का उत्साह तुम्हारे घर की उन्नति होने की संभावना है। और गुस्सा करने की आदत को भी छोड़ो, कहां तक गुस्सा करोगे? धीरे धीरे गुस्सा करने की आदत बन जाती है, फिर बिना कारण बिना जरूरत कोई खास बात नहीं होगी तो भी तुम्हारा दिमाग गर्म रहेगा, बहुत उलझे रहोगे। सारी जिंदगी आदतों के पिंजड़े में पैक है। निंदा करने की आदत बन जाए तो तुम जहां जाओगे वहां कुछ न कुछ पॉइंट ढूंढ लोगे निंदा के लिए, और तुम निंदा कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि अब एक टाइम का नाश्ता पूरा हो गया है। ईर्ष्या करने की आदत बन जाए तो किसी को अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ देखकर, अच्छे कपड़े पहने हुए देखकर, अच्छी जिंदगी किसी की देखकर, सुंदर मकान देखकर तुम्हारी जलन होने लगेगी, तुम्हारी छाती पर सांप लौट जाएंगे। और ईर्ष्या करने से, जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि आदमी की उम्र कम हो जाती है ईर्ष्या करने से। रमेश पालीवाल समझना, सरसी वाले। प्रेम करने से उम्र बढ़ती है, प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है, कम खाने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है, पानी अधिक पीने से खून शुद्ध रहता है, ठहाका मार कर हंसने से हार्ट शुगर बीपी तीन बीमारी कंट्रोल होती है, गुम सुम बैठने से सिरदर्द बढ़ता है। कुछ लोग गुम सुम बैठते ना, गुम सुम समझते हो? ये यमपी की भाषा मैं भी जानता हूं, गुम सुम। मुंह फुलाकर बैठने से स्वास्थ्य खराब होता है, हर्ष में नाराज रहने से अपनी शांति नष्ट होती है, खुश रहने से आसपास वालों को भी आनंद मिलता है। मैं क्यों हंस देता हूं? क्योंकि हंसने में मेरा कोई खर्चा थोड़े लगता है, पर मेरी एक हंसी करोड़ों की हंसी बनती है। सब संसार दुखी है, टेंशन में है। अभी दसोरिया का प्रवचन चल रहा था टीवी में रात्रि 9 बजे, तो मैंने सुना वो प्रवचन। किसी गांव में पधरौनी गया था, जाट साहब के घर पे था, मैं तो सुना बड़ा, उसमें टीवी में भी मैं हंसता था।
उधर भी हंस रहा था टीवी में, फिर इधर भी हंस रहा था, आमने सामने बैठा था। इसलिए पति को भी कभी कभी अपने घर में हंसना चाहिए। पति के हंसने से घर में सबको खुशी होती है, पत्नी के खुश रहने से घर का वातावरण ठंडा हो जाता है। और पति पत्नी साथ साथ कभी कभी हंसो, मकान जैसा है तैसा है, गाड़ी जैसी है तैसी है, अब किचन पिचन जैसा है तैसा है, अब कहां तक टेंशन करोगे, उसी में हंस करके जिंदगी गुजारना सीख लो तो जिंदगी में सुख शांति आएगी। ये सब चीजें बहुत अनुकूल नहीं हो सकती। मैं देख रहा हूं 26 साल से मैं सत्संग कर रहा हूं, अभी तक मेरे मन पसंद कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाती, पर फिर भी मैं उसी में खुश रहता हूं। चलो ठीक है, कुछ उल्टम पलटम चलता रहेगा, कहीं धूप आएगी, कहीं कचड़ा आएगा, कहीं महिलाएं रास्ते में बैठ जाएंगी अब उनको कौन हटाए, रिजर्वेशन है उनका, इतनी दूर से आई हैं, प्रेम से बैठी हैं, मेरा ही भरोसा है गुरुदेव पास बैठोगे कोई नहीं हटाएगा, तो मैं कैसे हटवाऊं। कुछ न कुछ डिस्टर्ब आपको घर में रहेगा, सब जगह रहेगा। उस डिस्टर्ब से, उस अव्यवस्था से अगर आप ज्यादा अशांत रहोगे, परेशान रहोगे, तो आपको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण का स्वभाव हंसने का था। देखिए भगवान ने हंसकर दिखाया है, अब तुम मुंह ऐंठते रहो तो भगवान से तुम्हारा तालमेल ही नहीं, टेंशन में रहोगे, भगवान कभी खुश नहीं होगा। कृष्ण हंसते थे, लेकिन कृष्ण के जीवन में संघर्ष कितने थे ये विचार करो। कृष्ण तो जिनका जेल में ही जन्म हुआ है, तुम तो जन्म के बाद जेल में जाते हो तब भी रोने लग जाते हो, जब जेल में कभी जाना पड़े तो समझो भगवान की जन्मभूमि का दर्शन करने जा रहे हैं, चले जाओ। भगवान का जन्म जेल में हुआ, ये भगवान की इच्छा से नहीं, कंस की इच्छा से हुआ, मामा जी की। पर जेल में जन्म लेते ही भगवान बाहर आ गए, क्योंकि वो जानते थे जेल में रहना ठीक नहीं, जेल में रहकर कोई काम आगे नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पाटीदार साहब भी जेल में गए फिर बाहर आ गए, 17,000 ले रहे आनंद है। पर फिर भी कृष्ण भगवान हंस रहे हैं। मामा कंस का विरोध, जरासंध का विरोध, कौरवों का विरोध, दुर्योधन के द्वारा अपमान, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर हंसी है। मैं आपसे भी कहूंगा 24 घंटे में कम से कम 2-5 बार हंस लेना। हंसने का कोई कारण हो ना हो, कभी कभी तो अकेले भी हंस लिया करो, कमरे में अकेले हंसो। एक बार मैं आलोट में सत्संग कर रहा था, गंगाराम शिंदे आयोजक थे, वो भी विधायक का चुनाव लड़ चुके थे पहले, समागम कराया, गेस्ट हाउस में निवास था, तो वहां अंदर सुबह सुबह मुझे बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत जोर से हंसी आई, तो कुछ संत लोग गेट पर बैठे थे बाहर, तो बोले अंदर कौन है, किसके साथ गुरुजी हंस रहे हैं। तो जब दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, मैं अकेला था, बोले गुरुजी अकेले हंस रहे थे। हमने कहा अकेले जो हंसता है वो कौन होता आपको पता है, उसके अंदर कुछ कुछ भगवान की सत्ता काम कर रही है, तभी अकेले हंसता है। अकेले हंसी आने लगे, अकेले मुस्कराने लगो, और अकेले ताली बजाने लग जाओ, तो समझ लेना अब जिंदगी कृष्ण की शुरू हो चुकी है, टेंशन मुक्त हो गए। ये जो मैं आपसे ताली बजवाता हूं इससे बहुत फायदे हैं, सिर दर्द, कमर दर्द, शुगर, बीपी, हार्ट,
ये बीमारियां कंट्रोल होती ताली बजाने से। और एक्यूपंक्चर होते हैं पॉइंटे और स्वतः ताली बज जाए, अपनी मस्ती में बज जाए, बहुत कम बीमार होंगे आप। दो चार बार हंस दें तो आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी। ये बच्चे बहुत कम बीमार क्यों होते हैं? ये हंसते बहुत है, और जब बच्चे हंसते हैं तो जवान लोग उनको डांटते हैं कि जहां बैठते वहीं खिखी खिखी शुरू कर देते हैं। तो बड़े लोग उनके पीछे भागते मारने के लिए, चलो हटो यहां से, लेकिन बच्चे सिखाने आए हैं कि पापा इस उम्र में तुम भी हंसते थे, अब तुम्हारा क्या खो गया जो आप इतनी टेंशन में रहते हो, कभी अपने बेटे के साथ भी हंस लिया करो। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अभी मुख्यमंत्री रमण सिंह छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल्ली जा रहे थे एरोप्लेन में, मैं भी उसी में जा रहा था, तो मेरे संत जी उनके पास गए और तो संत को देखा, बोले तो गुरुजी आए हैं क्या? बोले हाँ। तो बोले यहां ले आओ। तो उनके साथ बैठा मैं, एक घंटा 20 मिनट बात होती रही। तो उन्होंने बताया कि राजनीति में भी बहुत उलझन है गुरुजी, उलझन, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, उलझन। तो हमने कहा सीएम साहब उलझन है कहां? नहीं, घर में भी उलझन, सड़क पर उलझन, ट्रेन में उलझन, ऑफिस में उलझन, और राजनीति में उलझन, और साधुओं में भी उलझन, साधुओं में भी जो सही सलामत नहीं उसमें भी उलझन है। मैं 445 नागा बाबा को कंबल बांटा कुंभ मेला राजिम छत्तीसगढ़ में, तो नागाओं में गया बांटने कंबल, तो उनमें भी देखा उलझन, बड़ी गंदी गालियां देते हैं, फजीहत वाली, और सब नंग धड़ंग। मेरे से कह रहे थे कंबल नहीं लूंगा, तो हमने कहा तो क्या लोगे? बोले 1 लाख की चेक लूंगा। हमने कहा आशीर्वाद दो, 2 लाख की दे दूंगा। 445 कंबल बांट दिए, सब नागा, कोई गांजा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई प्रेम भी कर रहा है। उलझन में घबराओ मत। एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है, 2 पंक्तियां हैं सुनाऊं। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, राजनीति की तरफ से उलझन आ जाए, मित्रों की तरफ से उलझन आ जाए, गांव की तरफ से उलझन आ जाए, घर की तरफ से आ जाए, ससुराल तरफ से भी उलझन आ जाए, चारों तरफ से गिर जाओ, तब क्या करोगे? उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए, फिर भी मन को मिले ना चैन यदि सदगुरु की शरण में चले आइए, सदगुरु की शरण में चले आइए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। हौसला बुलंद होना चाहिए, हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। महाराणा प्रताप के पास में क्या था? तुलसीराम, हौसला था,
साहस था, उत्साह था, धैर्य था, जिसकी बदौलत चित्तौड़ के किले को पुनः वापस लेते हुए हौसला रखो। ये राजेंद्र के पास क्या था, कितनी बार हारा बंदा, लेकिन आज हौसला बुलंद था, विधायक बनकर बैठा है। सोचो, अब्राहम लिंकन ने 15 बार राष्ट्रपति का चुनाव हारा और बुलंद हौसले से फिर लड़ा, 16 बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बना। वोट देने वाले भी शर्मिंदा हो गए कि 15 बार हराया हूं, अब इसको एक बार दया करके दे ही दो। 16 बार जिताया, चुनाव लड़ते रहो, एक दिन हार गले का हार बनेगी, हार त्योहार बनेगी, हार सफलता का द्वार बनेगी, घबराओ मत। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे, ये झमेले कम नहीं होंगे। इसलिए छोटा मकान हो, बड़ा प्रेम